पाक रमजान माह का आज 16वां रोजा है। कांग्रेस कार्यकर्ता ने आज 16वें रोजे की शाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में निरुद्ध बंदियों के लिए रोजा अफ्तार का आयोजन किया। जेल में सजा काट रहे सैकड़ों मुस्लिम समुदाय के बंदी इस रोजा अफ्तार में शामिल हुए और रोजा अफ्तार के बाद नमाज अदा कर देश और दुनिया में अमन चैन कामयाबी की दुआ मांगी। रोजा अफ्तार में शामिल पूर्व कांग्रेस विधायक ने कहा कि एकता में अनेकता और आपसी भाईचारा भारतीय संस्कृति की पहचान है और उसे सदियों पुरानी परंपरा का अनुसरण करते हुए आज जेल में बंदियों के लिए रोजा अफ्तार का आयोजन किया गया था। देखिए, आज जो 16वां रोजा अफ्तार कराया है हमारे मुस्लिम बहुल क्षेत्र के रहनुमाओं ने, जिनका एक एक का नाम नहीं तो बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी, जिसमें आपसे बताएं कि उनको इस बात की मुबारकबाद दी जाती है कि भाई आज आपने जेल के अंदर रोजा खुलवाया है और बड़ी खुशी और मुसर्रत की बात है कि आज 16वां रोजा है और इन नौजवानों ने हमारे मोहल्ले के देवी हैं जितने भी आए हुए हैं, रईस भाई हों, भाई रायन हों, सभी रमजान मार्बल हैं, आज हैं, सभी लखन घंघोरिया हैं, गीला सरस रवाजी हैं, सभी लोग आए हुए हैं और सभी सम्मानी लोग आए हुए हैं हमारे मोहल्ले के नौजवान, और इन नौजवानों को इस बात की हिदायत दी जाती है जो बेचारे कैदी हैं चाहे हिंदू हों या मुसलमान हों, अगर जरा सी खता की तुमने सदियों की सजा पाई। आज जरा सी गलतियों में सब नौजवान यहाँ हैं, सब लोग हैं, हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं, और ये बड़ा अजीब अच्छा लग रहा है कि जेल के अंदर लग नहीं रहा है कि जेल में है कि खुले हुए अच्छे आसमान में है। इतनी अच्छी सुविधा है यहाँ जेलर साहब की तरफ से, इखलाक मोहब्बत है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये नौजवान जो हैं अगर यहाँ से छूटें तो इस जेल से ये इबरत लेके जाएं कि हमको अपने शहर में जहाँ से आए हैं जाना है और जिस मोहल्ले में रहना है, तो इंसानियत से रहने का सबक सिखाता है जेल। इंसानियत सीखें और बुजुर्गों की इज्जत करें और बुजुर्गों की इज्जत को अपनाएं और देश की एकता अखंडता में काम करने में जुट जाएं, यही मेरा पैगाम है। पवित्र रमजान महीने में जबलपुर सेंट्रल जेल में आज रईस भाई की ओर से 16वें रोजे का अफ्तार कराया गया। ये एक महीने का पवित्र रमजान का महीना होता है जिसमें आदमी हर इंसान बड़ी शिद्दत से, बड़ी निष्ठा और आस्था के साथ रोजा रखता है। रईस भाई की ओर से ये प्रयास था कि हम जेल के अंदर जो हमारे भाई हैं उनके बीच में रोजा अफ्तार कराएं, और एक जो सवाब इस महीने का होता है, इस महीने का जो सवाब होता है, रईस भाई, आयाज भाई, रमजान भाई, जिन लोगों के अच्छे प्रयास रहे हैं, इस समय सारे लोग मिलके सबकी सलामती की दुआ करते हैं। हमारे देश की संस्कृति परंपरा और धर्म का यह भव्य स्वरूप है कि हम अपने बुजुर्गों की इस विरासत को, भाईचारा, एकता का यह वातावरण, ये माहौल सदैव बना रहे, इसके लिए भी दुआ करते हैं। आज अच्छे प्रयास के लिए रईस भाई को, अयाज भाई को, रमजान भाई को, सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इसी प्रकार से हम अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हैं। जबलपुर से MS TV के लिए कमलेश पटेल की रिपोर्ट।